मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव की तारीख बेहद नजदीक है। भाजपा ने अपने कई प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में इन दोनों राज्यों के चुनाव से पहले हुए सर्वे में बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब महज 2 महीने का समय बचा है। बीजेपी अपने 79 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस में भी चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो कुछ लोगों को उम्मीद है कि राज्य में फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी। इसी बीच नई सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। ये सर्वे रिपोर्ट 20 सितंबर तक की है। 2 महीने के आंकड़ों के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इस सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया गया है। सर्वे में बताया गया है कि बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दलों को केवल 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 2023 के चुनाव में 42.8% वोट मिल सकता है। कांग्रेस को 43.8% वोट मिल रहा है, जबकि अन्य के खाते में 13.40% वोट जा सकता है। इस सर्वे रिपोर्ट पर बीजेपी ने दावा किया है कि ये 20 सितंबर तक का सर्वे है। पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव 20 सितंबर के बाद किया था। अब आने वाले दिनों में इस बदलाव का असर दिखाई देगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम इस सर्वे से सहमत नहीं हैं, क्योंकि राज्य में कांग्रेस को 140 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव के चलते हलचल मची हुई है। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की रैलियां हो चुकी हैं। यहां भाजपा बिना सीएम चेहरे के चुनावी मैदान में है। ये चुनाव पीएम मोदी के फेस पर लड़ा जाएगा। बता दें कि पिछले काफी समय से अंदरूनी गुटबाजी चल रही थी। वसुंधरा राजे खुद को सीएम चेहरा घोषित किए जाने की आस लगाए बैठी थीं। वहीं सीएम चेहरा बनने की कतार में कई नेता भी शामिल थे। गुटबाजी रोकने के लिए यहाँ शीर्ष नेतृत्व सक्रिय हो गया। नए सर्वे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर की टक्कर में नजर आ रही हैं। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 95 से 105 सीटें मिल सकती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी 91 से 101 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अन्य को 3 से 6 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। बता दें कि पिछले चुनाव यानी 2018 से बीजेपी को 73 और कांग्रेस को 100 सीटें मिली थीं। गौरतलब है कि हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और राजस्थान को लेकर संशय है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में कांग्रेस का आलाकमान भी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। ऐसे में नया सर्वे कांग्रेस को राहत दे सकता है। बता दें कि जून और जुलाई में आई सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी को 114 से 124 सीटें मिलती दिखाई दे रही थीं, वहीं कांग्रेस को 71 से 81 सीटें मिलती हुई बताई गई थीं। अब सितंबर माह में आई सर्वे रिपोर्ट में भाजपा की सीटों में गिरावट आई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।